हेलो गाइज, मैं हूँ राहुल। और भाई आज हम लोग आ चुके हैं नाइट को एक 100 वीडियो शूट करने, जो कि आप लोग इधर देख सकते हैं कि दूर दूर तक आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा। 6 बजे के बाद में इधर से कोई नहीं निकल सकता। ये सभी को डर और लगता है, सर्दी का टाइम है। हम लोग फिर भी रात को 12 बजे आ चुके हैं इस सुनसान सड़क के ऊपर, और अब हम लोग चैलेंज करेंगे, गोस्ट चैलेंज, और देखेंगे क्या हम इसके अंदर सर्वाइव कर पाएंगे, क्या हम इधर से निकल पाएंगे, क्या हमको कुछ मिलता है रास्ते में। तो गाइस हम लोग 12 बजे निकले हैं। हमारे साथ में मैं हूं और मेरा भाई है जो कि कैमरा यूज कर रहा है, वीडियो शूट कर रहा है। हम दोनों ही निकले हैं गाइस, हमारे घर से काफ़ी किलोमीटर दूर है ये। गाइस अब हम आप लोगों को दिखाएंगे कि हम लोगों को इस सुनसान सड़क के ऊपर क्या मिलता है, क्या हमको कोई गोस्ट मिलेगा, क्या हमारा गोस्ट चैलेंज सक्सेसफुल होगा। तो गाइस वीडियो में बने रहें। तो गाइस यह रोड कम से कम 10 से 12 किलोमीटर है, तो हम पैदल तो जा नहीं पाएंगे कि भाई हम पैदल पैदल तो सुबह तक पहुंचेंगे, तो ये तो पॉसिबल हो नहीं पाएगा। तो हम लोग क्या गाड़ी से निकले हैं, तो गाड़ी से हम लोग सर्वाइव करेंगे, रोड के ऊपर चलेंगे स्लो मोशन में और देखेंगे क्या मिलता है हमको। और आप लोग वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम लोग आज करने वाले हैं गोस्ट चैलेंज। लाइफ में फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं, और वो भी रात को 12 बजे। तो गाइस मेरी थोड़ी थोड़ी फिर भी हम इस गोस्ट चैलेंज को सक्सेसफुली करने के, बिल्कुल सक्सेसफुली करने की कोशिश करेंगे। हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है हमारा गोस्ट चैलेंज। आप लोग इधर देख सकते हैं कि गाड़ी हमारी जो चल रही है 20 की स्पीड पर चल रही है। हम इसी स्पीड से जाएंगे, इससे 10 से 12 किलोमीटर जो ये रोड है सुनसान, इसके ऊपर। तो आप लोगों को इधर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। गाइस अगर आपको इस वीडियो में ऐसा कुछ दिखाई देता है जो हम लोग नोटिस नहीं कर रहे, हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं हमको, जिससे हम लोग दोबारा उसको री करके देख सके। गाइस आप लोग देख सकते हैं कि इधर बिल्कुल ये देसी भाषा में बोलते हैं झुंडे ही झुंडे खड़े हैं। गाइस हम लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर आ चुके हैं। हम लोगों को बीच में ना ही कोई बाइक वाला मिला है, ना ही कोई गाड़ी मिली है, ना ही कोई पैदल व्यक्ति मिला है। तो ये रोड बिल्कुल सुनसान है, आप लोग देख सकते हैं, ना ही कोई कुत्ता उत्ता कुछ नहीं दिख रहा है हमको दूर दूर तक। तो गाइस हम लोग लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर आ चुके हैं, और क्यों ना हमने सोचा कि पैदल सैर करी जाए थोड़ी गाड़ी को खड़ी करके। तो हम लोगों को ये बहुत पुराना हेडपंप मिला। क्या हम इधर दिन में तो आते रहते हैं, नाइट में कभी नहीं आए, तो आज पहली बार हम नाइट में आए। तो आप गाइस देख सकते हैं कि ये बहुत पुराना हेडपंप है, इसमें पानी आता है नहीं आता मेरे को कुछ पता नहीं है। मैं अब इसको चला के देखता हूँ, इसके अंदर से आवाज तो आ रही है जैसे इसमें पानी आएगा। तो गाइस पानी आ चुका है इसमें, तो मतलब ये काम करता है। क्या 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 भाई, क्या क्या भाई, क्या। तो गाइस ये किसकी आवाज थी, एकदम से मैं हेडपंप चला रहा था, ना ही किसी ने पत्थर फेंका, ना ही और कुछ, मैं इस हेडपंप को चला रहा था, एकदम से आवाज आई, मैं डर गया और उधर भागा, लेकिन मेरे को कुछ दिखाई नहीं दिया परली साइड। तो गाइस हेडपंप के पास दोबारा आ चुके, वापस चलाते हम लोग इसको। बार देखते हैं दोबारा ऐसा कुछ होता है क्या, हेडपंप में है क्या कुछ ऐसा। यार ये
क्या ये है, तुम में लग कुछ है। गाइस आप लोग इधर देख सकते हैं कि कितने डाउन डाउन पेड़ हैं इस साइड, दोनों साइड तारबंदी कर रखी है और ये कच्चा रास्ता आ चुका है परले साइड, उस रोड से परले साइड 6 से 7 किलोमीटर दूर आगे। गाइस हमको बीच में एक हैंडपंप मिला, उसको हमने चलाया, गाइस उसमें से पता नहीं कैसे आवाज निकल के आई, उसको छोड़ के हम भग गए इस साइड आगे गाड़ी से दोबारा। देखो कितने बड़े बड़े पेड़ हैं। भाई ये किसकी आवाज है यार? गाड़ी को कौन हिला रहा है? आप गाड़ी चला रहे हो, मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है, गाड़ी को हिला कौन रहा है? अबे भाई 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 बाहर उतर, बाहर उतर, बाहर उतर, बाहर उतर, बाहर उतर, फटाफट बाहर उतर। यार गाड़ी कौन हिला रहा है यार? गाइस आप लोग देख सकते थे हमारी गाड़ी के आसपास कोई नहीं है, मेरे और भैया के अलावा कोई नहीं आया हमारे साथ में, लेकिन गाड़ी एकदम से चलते टाइम हिल रही थी। तो गाइस हम हमारे साथ ऐसे दो घटनाएं हो चुकी है, एक हैंडपंप की, एक गाड़ी हिल रही है जैसे हम 7 से 8 किलोमीटर दूर आगे आए हैं। तो गाइस अब जैसे हम आगे जाएंगे अंधेरा बढ़ता जाएगा, तो भाई मेरे को लग रहा है अब डर, आगे जाने का मन नहीं कर रहा है। आप लोग देखें अभी गाड़ी की लाइट जली हुई है, इस वजह से आपको कुछ आगे दिख रहा है, बाकी आप पेड़ देख सकते हैं, पेड़ देख सकते हैं आप चारों तरफ ऐसे ऐसे पेड़ हैं, झाड़ीले पेड़ हैं, बाकी कुछ नहीं है। देखो ब्राउन कलर के पेड़ है भाई, मेरे को लग रहा है डर। तो गाइस हम लोग दोबारा से गाड़ी में आ चुके हैं। अबे यार भाई 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 यार हद है, जो आना जरूरी था। पीछे देख पीछे देख पीछे देख पीछे देख, पीछे कोई नहीं, पीछे कोई नहीं। मैंने मोबाइल चार्ज मैंने टॉर्च ऑन करी है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं इस साइड कुछ नहीं दिख रहा है हमको, फिर भी गाड़ी हिल रही है हमारी, ना ही ऊपर कुछ बैठा, आप लोग देख सकते हैं। निकल यहाँ से, निकल भाई, मैं खेस रहा हूँ गाड़ी। बस हम लोगों ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी है थोड़ी, क्योंकि हमारी गाड़ी हिल रही है बैठने के बाद में। गाइस आप लोग देख सकते हैं हमको एक शमशान घाट मिला है, ये बहुत पुराना शमशान घाट है इधर। इसकी चार दीवारी है शमशान घाट की। तो गाइस हम लोग अब आ चुके हैं मेन रोड हाईवे के ऊपर, 10 से 12 किलोमीटर हम लोगों ने गाड़ी में 20 से 30 की स्पीड में गुजारे, लेकिन हम फाइनली पहुंच चुके हैं हाईवे के ऊपर। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं हमारे घर पे, कि भाई हालत हो चुकी है ख़राब, बीच में हेडपम्प, उसके बाद में गाड़ी हिली, गाड़ी के चारों तरफ कुछ दिखा भी नहीं हमको। तो गाइस आज की वीडियो का बस इधर ही करते हैं एंड, अगर आपको इस वीडियो में ऐसा कुछ दिखाई दिया हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, और एक बार मैं दोबारा जाके आऊँगा इस लोकेशन पर, लेकिन एक्चुअली अब तो मैं नहीं जा पाऊंगा, फिलहाल तो हालत ख़राब हो चुकी है, टाइम हो रहा है 12 से 12:30 का। तो गाइस काफ़ी है आज के लिए,
तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और ऐसा कुछ दिखाई दिया हो तो मैं फिर बोल रहा हूँ कमेंट जरूर करें, एक बार दोबारा जाके आएंगे हम इस लोकेशन पर।